नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया हॉट टॉपिक्स में। देश भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है और इसी बीच महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 125 किलोमीटर दूर एक छोटे गांव पालघर डिस्ट्रिक्ट में एक भयानक केस सामने आया है। तीन लोग, जिसमें से एक 70 साल का बूढ़ा आदमी था, उन्हें गुरुवार की रात एक अफवाह की वजह से गाँव के लोगों ने मिलकर मार डाला। अफवाह यह थी कि वह साधु उस गाँव से बच्चे चुराने आए थे। यहाँ करीब 200 लोगों की भीड़ में दो साधु और एक ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला। तस्वीरों में एक साधु पुलिसकर्मी के पीछे छिपकर जान बचाने की कोशिश करता रहा। पुलिस तमाशबीन बनी रही और भीड़ साधुओं को खींचकर ले गई। पालघर मर्डर केस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अत्यधिक जांच के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों ने इन तीन लोगों की मॉब लिंचिंग उस समय की जब ये लोग नासिक की ओर जा रहे थे। दो साधु और एक ड्राइवर की मौत के बाद अभी तक 110 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिसमें 9 नाबालिग भी हैं। पुलिस का कहना है कि हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और हालांकि यह मर्डर गलत फहमी के आधार पर हुआ है, फिर भी हम किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेंगे। इस घटना पे काफी बवाल मचा हुआ है, काफी साधु और लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या जो हुआ उसमें बस गलत फहमी थी या कुछ और, ये तो केस की तहकीकात होने के बाद ही पता चलेगा। पर क्या सरकार को पुलिस की इस लापरवाही को इग्नोर करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।